नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहित कुमार। बिजनौर से बड़ी खबर, युवाओं की समस्या को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु की मैदान में उतरने की तैयारी शुरू। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से सेना भर्ती रैली मुजफ्फरनगर बार बार पीछे हटाने के कारण युवाओं की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु मैदान में उतरने जा रही है। वहीं बिजनौर के ब्लॉक मोहम्मदपुर देमल से अध्यक्ष विकास चौधरी का कहना है कि इस तरह भर्ती को बार बार पीछे हटाना युवाओं के लिए अभिशाप बनता जा रहा है, जिस कारण युवाओं की ओवरएज होने से वह भर्ती में बहाल हो जाते हैं, जिसको लेकर युवाओं में रोष बढ़ता जा रहा है। वहीं युवा गलत रास्ते पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। आए दिन क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए कहीं न कहीं बेरोजगारी जिम्मेदार है। विकास कुमार ने यह भी कहा कि कार्यालय ने जिला प्रशासन से बार बार भर्ती के बारे में कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले 2 सालों से सेना भर्ती करवाने की वजह से रुकी हुई है। इन 2 सालों में जो युवा ओवर एज हुए हैं, उन्हें उम्र में छूट मिलनी चाहिए। युवाओं को इतनी मेहनत करके देख भी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए अब युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु युवाओं के साथ खड़ी है। और भारतीय किसान यूनियन भानु बिजनौर के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मदपुर देमर विकास चौधरी ने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को संबोधित कर जल्द से जल्द भर्ती कराने की बात कही, क्योंकि राज्य सरकार व जिला प्रशासन की स्वीकृति सेना भर्ती कार्यालय को नहीं मिल रही है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु बिजनौर ने 4 सितंबर को बिजनौर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर सेना भर्ती शीघ्र कराने की मांग कही। और धरना मजबूती से होगा, उसमें सभी जितने भी ट्रैक स्टेडियम स्टेडियम बने हुए हैं पूरे जिला बिजनौर के, सभी बच्चों से हम निवेदन करेंगे कि वो जिला मुख्यालय बिजनौर पर पहुंचे और हम जो वहां उनकी मांग रखेंगे। सबसे पहली मांग भारतीय किसान यूनियन भानु की इन बच्चों के लिए होगी जो बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं। क्यों इस सरकार में केवल किसान परेशान है? किसान का ही बालक आर्मी की तैयारी या पुलिस की तैयारी किसान का ही बालक कर रहे हैं, अड़ानी अंबानी के बालक नहीं कर रहे। और किसान ही आज की तारीख में परेशान है और किसान की औलाद को भी इन्होंने परेशान कर दिया। तो हम मेरा कहना एक है कि इस सरकार का विरोध कर लो, हमें मेरा कहना यो नहीं कि वोट उसे दो या उसे दो, लेकिन इस सरकार का बहिष्कार कर दो, अन्य सरकार बिल्कुल हाथ में कटोरा ला देगी। नहीं छोड़ा इस सरकार ने किसी लायक भी। और अगर यो अगले आने वाले सत्र में 5 साल के लिए और बन गई तो 5 साल में जो किसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्यों? किसान बेकार कर दिया, प्राइवेट हर चीज प्राइवेट कर दी, तो यो देश को बिल्कुल खोखरा करने को तैयार है। तो इसमें जो इस सरकार को यो दिखा दो कि हाँ किसान भी कोई चीज है, अन्नी भैया किसान जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर। कितनी सभाएं कितनी रैली चल रही हैं, उसमें कोरोना नहीं लिपट रहा, केवल एक भर्ती भर्ती में जो बिना कोरोना दिख रहा, कितनी परीक्षाएं हो रही, केवल इन्होंने किसान के बच्चों को परेशान करने के लिए सेना की भर्ती रोक रखी है, बाकी सारे काम इनके जारी हैं, चल रहे हैं, रैली भी होंगी और हो ही हैं। बंगाल में कोरोना चल रहा था और बंगाल में इनकी रैली चल रही थी, जब इन्हें दिक्कत नहीं आई, और अब फिर इनकी रैली चालू हो जाएगी केवल भर्ती के लिए, जो ये बता रहे हैं कि भर्ती नहीं होने की। इसी के साथ सभी युवाओं को धरने में शामिल होने की अपील की। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डीबीपी न्यूज के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।